कि हम उसी देश में रहते हैं जिसको 60 साल से अधिक तथा कथित आजादी के बाद ये सोचने में, ये नीति लाने में लग जाते हैं कि इस देश में एक राइट टू एजुकेशन होना चाहिए। हम उसी देश में रहते हैं जहां पर हम सब में से बहुसंख्यक लोगों की जो दादियां हैं, नानियां हैं, माए हैं, घर के बहुत सारे लोग हैं, वो 12वीं के बाद हायर एजुकेशन तक या 10वीं 12वीं तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। और आज के समय में जहां पर इस देश की सरकार, यहां तक कि इस देश की यूनिवर्सिटी हमसे कहती है कि आप 75 साल अमृत वर्ष के आजादी के मनाइए, उसी समय हम ये देखते हैं कि लगातार शिक्षा की जो नीति इस देश में लाई जाती है, इस यूनिवर्सिटी में, इन कॉलेजेस में, बिना छात्रों से, बिना शिक्षकों से, बिना वंचित समुदाय से आने छात्रों के साथ बातचीत किए जिसको थोपा जाता है, वो नीतियां लगातार साफ तौर पर बहुसंख्यक जनता को, बहुसंख्यक छात्रों को, बहुसंख्यक युवाओं को सरकारी वित्त पोषित शिक्षा प्रणाली से बेदखल करने की हर संभव साजिश और चाल रचते हुए हमें दिखाई पड़ती है। इस यूनिवर्सिटी की हम बात करें, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर साल 2022 में इस देश में सबसे अगुआ तौर पर FYUP 4-year प्रोग्राम को, CUET को स्टूडेंट्स पर थोप दिया जाता है। स्टूडेंट से नहीं पूछा जाता कि आपको नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आपको क्या चाहिए। इस देश के गांव कस्बों से आने वाले छात्रों से, देश की राजधानी में सरकारी स्कूल से आने वाले छात्रों से नहीं पूछा जाता कि आपको नई शिक्षा नीति में क्या चाहिए। सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट वर्ग से, पूंजीपति वर्ग से पूछा जाता है कि नई शिक्षा नीति में आप ये बताइए किस तरीके से हम नई चालें रचें कि आपका मुनाफा बढ़ाया जा सके। और लगातार जो छात्र वंचित समुदाय से बेदखल हो रहे हैं सरकारी शिक्षा से, वो बेदखल होते रहे। इस यूनिवर्सिटी के अंदर FYUP को लागू किया गया, CUET को थोपा गया। नतीजन हम ये देखते हैं कि इस देश की सबसे सॉट आफ्टर यूनिवर्सिटी होने के बावजूद, बड़ी लिमिटेड सीटें मौजूद होने के बावजूद भी, यहाँ पर दाखिला प्रक्रिया खत्म होने के बाद भी हजारों सीटें खाली रह जाती हैं। तब जब दिल्ली के ही सरकारी स्कूलों से आने वाला एक बड़ा छात्रों का हिस्सा मजबूर है कि वो ओपन डिस्टेंस लर्निंग, SOL और IGNOU में लगातार ढकेला जाता रहे। इस देश में इन यूनिवर्सिटीज के अंदर, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के जो कॉलेजेस हैं, उनमें लगातार हम देख रहे हैं कि नई शिक्षा नीति में जो ग्रांट को खत्म कर दिया गया है, UGC से जो ग्रांट मिलती थी, अनुदान को खत्म करके अब हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी HEFA से लोन लेने की कवायद को जो बल दिया जा रहा है, उसके कारण छात्रों की फीस दिन दूनी रात चौगुनी पड़ रही है। और इसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं जो इस देश में आज तक मजबूर है और आज तक स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो 8वीं के बाद किसी तरह 9वीं में पहुंच जाएं, 10वीं के बाद किसी तरह 11वीं में पहुंच जाएं, 12वीं के बाद किसी तरह हायर एजुकेशन में पहुंच जाएं। हम देख रहे हैं लगातार इस यूनिवर्सिटी के अंदर SEC, VAC, ACC, इन सब्जेक्ट्स में किस तरीके से पब्लिक फंडेड एजुकेशन को डाइल्यूट करने की, डिग्रेड करने की, खराब करने की कोशिश की जा रही है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर जहां पर पहले ट्यूटोरियल ग्रुप्स का एक प्रोविजन होता था कि क्लास में अलग अलग वर्गों, अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो सबको इंडिविजुअल अटेंशन नहीं मिल पाता है, तो ट्यूटोरियल ग्रुप्स का जो प्रोविजन कि 10 छात्रों से ज्यादा का एक ट्यूटोरियल ग्रुप नहीं होगा, उसको खत्म करके अब कहा जा रहा है कि 40 छात्रों का भी आप ट्यूटोरियल ग्रुप बना सकते हैं। यानी कि पूरा कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से छात्रों को एक फोकस्ड अटेंशन, टीचर के बीच में एक इंटरेक्शन कर पाने का मौका मिलना चाहिए, उसको खत्म करने की पूरी कोशिश हमें दिख रही है। स्टूडेंट्स जो देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं, हिंदी भाषी इलाकों से नहीं आते हैं, उनको जबरदस्ती, जबरन हिंदी भाषा कंपलसरीली लेने के लिए थोपी जा रही है।
इंग्लिश का कोई ऑप्शन नहीं है। वैल्यू एडेड कोर्सेज के नाम पर जो मार्केट में पॉपुलर, जो मार्केट डिमांडिंग, जो स्टूडेंट्स के कोर्सेज से रेलेवेंट कोर्सेज नहीं है उनको थोपा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये सब इसलिए कर रहे हैं हम ताकि यूनिवर्सिटी की फैकल्टी पर, कॉलेज की फैकल्टी पर, अलग अलग फैकल्टीज पर वर्कलोड कम किया जा सके। यहाँ पर जो छात्र पढ़ते हैं इस देश में, जो छात्र पढ़ाई करना चाहते हैं, जो युवा हैं, वो बेवकूफ नहीं है, वो समझते हैं, साफ समझते हैं कि आप कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को ऑटोनॉमस बनाने की कवायद में, वर्कलोड कम करने की कवायद में, साफ तौर पर शिक्षा पर जो भारत के बजट का जितना खर्चा होना चाहिए उसको लगातार कम करने की, लगातार डाइल्यूट करने की, लगातार खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, ये अकेली घटनाएं नहीं है। अगर इस 2020 में जो आपदा के समय में अवसर खोजकर एक न्यू एक्सक्लूजन पॉलिसी लाई जाती है वो एक लौती नहीं है। इस देश की जो लगातार शिक्षा नीतियां आई हैं उन सभी ने ये लगातार कोशिश की है कि सरकारी स्कूल से आने वाले जो छात्र हैं किस तरह से उनके लिए रेगुलर पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज के अंदर जगह बनाए जाने की बजाय किस तरीके से उनकी बेदखली का रास्ता साफ किया जाए। और उसी का नतीजा है कि आए हर साल हम देखते हैं कि इन ओपन लर्निंग इंस्टीट्यूट्स में, चाहे वो इग्नू हो, SOL हो, NIS हो, इनका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हर साल कई कई गुना बढ़ता हुआ हमें दिखता है। और सबसे बड़े शर्म की बात यह है कि इस देश के नेता, इस देश के प्रधानमंत्री इस बात पर दंभ भरते हैं कि देखिए हमारे यहाँ रेगुलर की बजाय छात्र ओपन लर्निंग से भी, यानी कि जिस शिक्षण संस्थान तक पहुंच भी नहीं पा रहे हैं वहां से भी शिक्षा ले पा रहे हैं। कितने गर्व की बात है ये। आप एक बात बताइए, ये ओपन लर्निंग इंस्टीट्यूट्स अगर इतने ही अच्छे हैं तो शिक्षा मंत्री के बच्चे, प्रधानमंत्री के बच्चे, पूंजीपतियों के बच्चे इनमें पढ़ने क्यों नहीं जाते हैं? क्यों मजबूर है इस देश का मेहनत का हिस्सा अपने बच्चों को सरकारी स्कूल भेज पाने के लिए भी 14-14 घंटे खटने के लिए, और उसके बाद ये देखने के लिए कि 8वीं के बाद एक बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट स्कूल्स के स्टूडेंट्स का ड्रॉप आउट हो जाता है, जो बचता है वो 10वीं के बाद ड्रॉप आउट हो जाता है, और जो 12वीं किसी तरह से कर लेता है उसको मजबूर होना पड़ता है कि वो ओपन डिस्टेंस लर्निंग, इग्नू, SOL और बाकी इस तरीके की घटिया शिक्षण संस्थानों में दाखिला लेकर ना सिर्फ लगातार बढ़ती हुई फीस देता रहे, लुटता रहे, बल्कि समाज में सस्ता मजदूर बनने के लिए वो मजबूर होता रहे। आप यहाँ पर इसी दिल्ली विश्वविद्यालय के SOL के अंदर जाकर देख लीजिए, पिछले साल जो फीस 4000 हुआ करती थी वो आज 2 गुना बढ़ गई है इस साल, और जिसमें कि जो स्टूडेंट्स का पहला अधिकार है ओपन लर्निंग का कि उनको कम से कम प्रिंटेड स्टडी मटेरियल एडमिशन के 14 दिन के अंदर मिल जाए, वो तक उनके हाथ में एग्जाम के एक हफ्ते पहले तक भी नहीं आता है। क्लास के नाम पर घटिया 5 से 10 क्लासेस देकर एक साल का सिलेबस खत्म करने की कोशिश की जाती है, और ये कोई अजूबा नहीं है जिसको देख कर हम समझ ना पाए कि ये क्यों किया जाता है। बड़े बड़े नेता, चाहे वो BJP के हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, बड़े बड़े बखान करते हुए, धर्म की बातें करते हुए हमें दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जहां शिक्षा की बात आती है उनके खुद के बच्चे प्राइवेट स्कूल जाते हैं, कॉन्वेंट्स में पढ़ने जाते हैं, बाहर की विदेशी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जाते हैं, लेकिन जब इस देश के शिक्षण संस्थानों की, शिक्षा व्यवस्था की बात आती है तो लगातार शिक्षा पर, पब्लिक फंडेड एजुकेशन पर होने वाले बजट के खर्चे को बढ़ाए जाने की बजाय पूरी तरह से सरकार अपने हाथ इस जिम्मेदारी से धोते हुए हमें दिखाई पड़ती है। लेकिन आज यहाँ पर हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि इस देश के जो युवा हैं, इस देश के जो बहुसंख्यक छात्र हैं, जो सरकारी स्कूल से आते हैं, वंचित समुदाय से आते हैं, हाशिए के वर्ग से आते हैं, वो कोई मौन मूक जनता नहीं है। वो सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, ज्योतिबा फुले, भगत सिंह के संघर्ष को याद करते हुए आज भी इस बात को समझता है कि समान शिक्षा के लिए, समान शिक्षा के अधिकार के लिए हम आने वाले समय में तब तक संघर्ष करेंगे
जब तक राष्ट्रपति हो या इस देश में वाइस चांसलर हो इस यूनिवर्सिटी का, या इस यूनिवर्सिटी के अंदर का सफाई कर्मचारी का बच्चा हो, चपरासी का बच्चा हो, सिक्योरिटी गार्ड का बच्चा हो, सबको एक ही समान शिक्षा व्यवस्था वाली स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जब तक पढ़ने का मौका नहीं मिल जाता है, तब तक हम छात्र, हम युवा मिलकर एक साथ संगठित तौर पर समान शिक्षा के अपने संघर्ष को आगे लेकर जाएंगे। और इसी के साथ आज का जो हमारा ये धरना प्रदर्शन है, ये कोई आखिरी नहीं है। इस बात को इस यूनिवर्सिटी के छात्र और इस देश के सभी युवा समझते हैं कि अभी हमें जितने भी अधिकार शिक्षा के क्षेत्र के अंदर मिले हुए हैं, वो अधिकार और उन एक और जो विशेष अधिकार भी मिले हुए हैं, उन्हें हम तभी बरकरार रख पाएंगे, उन्हें सिर्फ तभी हम अपने अधिकार के तौर पर बनाए रख पाएंगे जब हम ये सुनिश्चित करेंगे कि वो अधिकार इस देश की ज्यादातर बहुसंख्यक सभी आबादी तक, हर घर तक, हर गांव तक, हर कस्बे तक पहुंच पाए। सिर्फ तभी हमारे इस संघर्ष को हम सफल मानेंगे। तो समान शिक्षा लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे।